बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ। उसके माता पिता का सपना था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन समाज की उन्हें देखरेख के कारण वे बहुत ही चिंतित रहते थे। लड़का बड़ा होते होते बहुत दिलचस्प और बुद्धिमान बच्चा बन गया। वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का प्रतिश्रय करता था। वह समय समय पर अपने दोस्तों के साथ अपने सपनों के बारे में बात किया करता और उन्हें प्रेरित करता। एक दिन उसके गांव में एक मेला आया। उसमें विभिन्न प्रकार के खिलौने, खाने की चीजें और मनोरंजन के आयोजन थे। लड़का भी मेले में गया और अपने दोस्तों के साथ मस्ती की। वह एक जादूगर की दिखावटी कार्ड शो गया। जब जादूगर ने उसके सामने जादू किया तो लड़के के होश उड़ गए। जादूगर ने एक विशेष किताब दिखाई और कहा, यह किताब तुझे वो सब कुछ सिखा सकती है जिससे तू चाहता है कि तू बने। लड़के का मन खुशी से झूम उठा। वह उस किताब को लेने के लिए जादूगर से पूछताछ करते हुए उसके दीवारे की मदद करने के लिए अपने दोस्तों से मदद मांगने गया। लड़के ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसने जाना कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और अपने कठिनाइयों का सामना करते रहे। वह किताब से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके अपनी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में अग्रसर होता गया। धीरे धीरे उस गरीब लड़के ने अपने परिश्रम और आत्मविश्वास की मदद से बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया और उन्हें पार किया। उसने अपने देश के लिए काम करना शुरू किया और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। अंत में उस गरीब लड़के ने अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया और एक महान आदमी बन गया। वह न सिर्फ अपने परिवार का सम्मान पाया, बल्कि अपने कड़ी मेहनत और संघर्ष के कारण पूरे समाज में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपने सच करने के लिए आत्मविश्वास, मेहनत और सही दिशा में प्रयास करना महत्वपूर्ण होता है, चाहे हम जितने भी मुश्किलातों का सामना करने के लिए खड़े क्यों न हो। गरीब लड़के की किस्मत की यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में हालात और समाज की दिक्कतें हमारे सपनों को पूरा करने में रुकावट नहीं बनती, अगर हमारा आत्मविश्वास और मेहनत दृढ़ हो। रंगीन कहानियों की दुनिया में खो जाओ और हमारे साथ सदस्य बनो। हमारे इंस्पिरियो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।